ग्रैंडपा छोले भटूरे। एक गांव में नंदलाल नाम का एक बूढ़ा रहता था। वो अपने ठेले पर पूरी बेचता था। एक दिन नंदलाल अपनी पत्नी देवकी से, देवकी अपने भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो बहुत डर लगता है। अब तक बिना खाने की तंगी के जिंदगी कट गई हमारी, लेकिन पैसे जमा नहीं कर पाए। आजकल धंधा भी ठीक से नहीं चल रहा अपना। सब लाभ कमाने के लिए पूरी बनाने के लिए मैदा और सस्ते तेल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं लाभ के बारे में ना सोचकर लोगों के सेहत के बारे में सोचते हुए मैदा नहीं गेहूं का आटा ही इस्तेमाल करता हूं और तेल भी अच्छे किस्म का ही इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ना जाने क्यों धंधा ठीक से नहीं चल रहा अपना। अगर कल हम दोनों में से कोई बीमार पड़ जाए तो हमारा क्या होगा? देखिए, हम दोनों ने इतने साल मेहनत की है, अगर जिंदगी में कोई तकलीफ उठाना ना चाहो तो हमें भी वक्त के साथ साथ बदलना होगा। पूरी कोई भी बनाए एक जैसा ही होता है। खाने वाले लोग नहीं जानते कि हम एकदम बढ़िया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करते हैं। हम तो पूरी के साथ दो किस्म के सब्जियां ही देते हैं, पर लोग तो सब्जी खाने के लिए ही पूरी खरीदते हैं। आजकल के युवक बदलाव चाहते हैं, एक जैसे ही सब्जी खाकर वो ऊब जाते हैं, इसीलिए अपना धंधा ठीक से नहीं चल रहा। आप मुझे एक दिन का मोहलत दीजिए। अगले दिन देवकी ने नंदलाल को एक बड़े से प्लेट में एक बहुत बड़ा पूरी और उसके साथ चने की सब्जी प्लेट में रखा। उसे देखकर नंदलाल, ये क्या देवकी, तुमने चने की सब्जी बनाई, ये तो ठीक है, पर पूरी क्यों तुमने इतना बड़ा बनाया? ये चने की सब्जी नहीं है, इसे छोले कहते हैं, और ये पूरी नहीं है, इसे भटूरे कहते हैं। आप जरा इसका स्वाद लीजिए और बताइए कि कैसा है। नंदलाल ने उसे खाया। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है, तुमने इसे बनाना कहाँ सीखा? आपको याद है जब हमारा पोता ऋषि बीमार पड़ गया तो उसकी देखभाल करने के लिए मैं जानकी के घर गई थी। तब हमारे दामाद छोले भटूरे को बाजार से लेके आए थे। मैंने उसमें अपना सीक्रेट मसाला मिलाया और इसे तैयार किया है। इसके साथ साथ ये आलू की सब्जी और इमली की चटनी का भी स्वाद लीजिए। कहकर दो छोटे छोटे कटोरी नंदलाल को दिया। नंदलाल ने उनका स्वाद लिया और, अरे वाह, ये तो और भी कमाल के हैं। तो ठीक है, कल से ही हम ये छोले भटूरे बनाना शुरू करते हैं। यूं अगले ही दिन से नंदलाल और देवकी ने मिलकर अपने ठेले पर पूरी के जगह छोले भटूरे बनाकर बेचने लगे। लोगों को इनके छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे तो इनका धंधा खूब बढ़िया चल पड़ा। बहुत जल्द आसपास के गांवों में भी नंदलाल के छोले भटूरे की चर्चा होने लगी। एक ग्राहक आया और नंदलाल से, ताऊजी, आपके हाथ के छोले भटूरे बस कमाल के हैं। आप जानते हो कि इसे खाने के लिए मैं हर हफ्ते 30 किलोमीटर दूर से आता हूँ। माँ जी, आपके बनाए हुए आलू की सब्जी और इमली की चटनी खाने के लिए मैं और 30 किलोमीटर चलकर आने के लिए तैयार हूँ। बहुत खुशी हुई बेटे। मैं आज तक ये सोचता था कि मैं अच्छे स्तर का किराने के सामान इस्तेमाल करता हूँ, फिर भी लोग क्यों नहीं आते खाने के लिए, पर मैं ये नहीं जान पाया कि वही सामान नाम बदल कर अगर हम तैयार करके बेचें तो बस लोग उमड़ पड़ते हैं खाने के लिए। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे शुक्रिया अदा कैसे करूँ इतना बढ़िया आइडिया देने के लिए। अरे, हमारे बीच में ये धन्यवाद कैसा। बहुत जल्द नंदलाल और देवकी ने मिलकर खूब पैसे कमाए और अपनी झोपड़ी के जगह एक छोटा सा घर बसाकर बड़े खुशी खुशी रहने लगे।